नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सांसद ने संसद में शून्यकाल का नोटिस दिया है। विपक्ष जम्मू कश्मीर पर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से वहां लगातार जारी पाबंदियों का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। आज सभी 195 थानों में कहीं पर धारा 144 नहीं है, सिर्फ एहतियात के तौर पर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ थानों में लागू किया गया है। दिल्ली भाजपा ने एक ऐसे शख्स को पार्टी में शामिल कराया है जिस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम साबित होने के बाद उसे जबरन रिटायरमेंट दी गई थी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बीते दिनों भ्रष्टाचार के आरोप में 39 इंजीनियरों को जबरन रिटायरमेंट दी गई थी। उन्हीं में से एक शराफत अली भी थे जिनको पार्टी की नेत्री शाजिया इल्मी ने सदस्यता दिलाई है। शराफत के एक साथ अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लगभग 3 दर्जन लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को भी शामिल होना था, लेकिन वो ऐन वक्त पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बेहतरीन सरकारी उपक्रमों को खोखला कर उन्हें बेचने का काम कर रही है। प्रियंका ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उन्होंने कहा, हमारे संस्थान हमारी शान है, ये ही हमारी सोने की चिड़िया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को गर्त में ले जा रही है। अमेठी के मुसाफिरखाना में डीएम अरुण कुमार ने सीडीओ के साथ गौर संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं डीएम गौ संरक्षण केंद्र की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। डीएम ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार गौ संरक्षण के लिए चिंतित है। उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण केंद्र में जो आवारा पशु हैं और उनको ठंड से बचाने के लिए बोरों के पर्दे लगाए जाएं और उनके लिए चारे की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि गाय को बचाने में जरा सी भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अच्छी हेल्थ कंडीशन में है, इनका टीकाकरण भी हुआ है और गोबर इत्यादि की भी जो उसके प्रक्रिया है वो भी सब यहाँ पे सब ठीक तरीके से हो रही है। उसको डंपिंग ठीक तरीके से की जा रही है और साफ सफाई है, कोई विशेष इसमें कोई कमी नहीं आई है। कुछ पेमेंट्स को लेकर कुछ एक दो इश्यूज़ हैं और उसको हम लोग अपने स्तर पर मीटिंग करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिरोजपुर में आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला फिरोजपुर के गुरु हरसराय कस्बे का है। यहाँ एक ही दिन में 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है दोनों ही युवक काफी दिनों से मानसिक तनाव से ग्रस्त थे जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या कर ली। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में बहराइच के और श्रावस्ती के विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस मौके पर सीएम के सामने नीति आयोग द्वारा निर्धारित सेक्टरों में मापदंडों के विकास का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस मौके पर सीएम योगी चीनी मिल पर सख्त नजर आए और उन्होंने चिलवरिया चीनी मिल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि इस चीनी मिल ने किसानों के बकाए का कम भुगतान किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहे। आज बहराइच और श्रावस्ती की समीक्षा बैठक करने आए थे और उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जिस मानक पे चलनी चाहिए चल रही हैं कि नहीं चल रही। हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर में बजरंग बली मंदिर में 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो गया। इस मेले का श्रद्धालुओं ने जमकर लुफ्त उठाया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बताया जा रहा है कि हनुमान जी की जो मूर्ति मंदिर में स्थापित है वो पाताल से निकली थी, तभी से इस चमत्कारी मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस दौरान भंडारी का भी आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े प्रेम से प्रसाद चखा। हापुड़ के गोपाल वाटिका में एक डांस टीचर को शादी के दौरान बहन और
छात्राओं से छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। डांस टीचर को मंचले ने पुलिस के सामने ही पीट दिया। मंचला डांस टीचर को पीटता रहा और पुलिस तमाशा देखती रही। इसके बाद मंचला वहां से फरार हो गया। वहीं जब टीचर बुरी तरह घायल हो गए तो उसे पुलिसकर्मी ने उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जब छात्रों ने मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया और मंचले की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सुपर 30 क्लास के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि जेएनयू में फीस वृद्धि पर जारी विरोध प्रदर्शन का हल सौहार्दपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि फीस में इजाफा केवल उन पर लागू होना चाहिए जो इसका भुगतान करने में सक्षम हो। उन्होंने बताया कि अमीर और जिनके पास पैसे की कमी नहीं उन्हें बड़ी हुई फीस का भुगतान करना चाहिए और उन गरीब छात्रों का ध्यान देना चाहिए जो प्रतिभाशाली है लेकिन जरूरतमंद है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सिंह ने इंदिरा गांधी की 102वीं जयंती मनाई। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता लल्लू सिंह ने कहा कि इंदिरा जी ने हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कहा ऐसे ही नहीं इंदिरा जी को लौह महिला कहा जाता है। आज पूरा विश्व इंदिरा जी के द्वारा किए गए कामों को याद कर रहा है।